भाई इसको तो मुंह में रखते ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी अलग दुनिया में चला गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आज हम आपको ट्राई करवाएंगे कुकीज एंड क्रीम। कुकीज एंड क्रीम ये होता क्या है? कुकीज एंड क्रीम ये नाम मैंने पहली बार सुना था। ये तो नाम भी इसका बहुत सख्त है। वैसे ये नाम तो मैंने भी पहली बार सुना है। सर ये क्रीम होता है वो आइसक्रीम की तरह होता है, अंदर ना बिस्किट का चूरा होता है। बिस्कुट का चूरा इसके अंदर होता है? बिस्कुट हम लोग चाय के साथ दबा के खाते हैं। कुकीज तो मेरे ख्याल में बिस्कुट को कहते हैं। जी जी। तो क्या मतलब क्रीम वाले बिस्कुट खिलाया गया जाओ? नहीं सर ये क्रीम वाले बिस्कुट नहीं है, असल में एक आइसक्रीम और इसका बना हुआ अंदर बिस्कुट का चूरा शामिल होता है। चले ये कोई नई चीज़ है तो फिर खाकर देखेंगे कि ये क्या चीज़ है कुकीज एंड क्रीम। फिल्मों में ऐसी चीजें आती थी मेरे। ये तो ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट बना हुआ है, बिल्कुल अलग ही किस्म का नई चीज बनी हुई है। ऐसा लगता है जैसे घरों में ब्लॉक लगाते हैं, यानी घर बनाते हैं, तो इस तरह का डिजाइन है। ये मुझे नजर आता है काली काली चीजें। अभी ये बिस्कुट डाला हुआ है, कोई मक्खियां वगैरह तो नहीं गिर गई है? सर ये एक ओरियो बिस्किट है जो आपने एक दफा खाया था। अच्छा, फिर तो जायके डाल होगा खाने में। मुझे तो यख ऐसे लग रही है जैसे आइसक्रीम हो। जी सर ये आइसक्रीम है। अच्छा आइसक्रीम, यानी क्रीम आइसक्रीम और वो बिस्कुट कुकीज। कुकीज जी खाएं, बताएं, अपना फीडबैक दीजिए। है तो भाई थोड़ी टेस्टी है, थोड़ा और खा के देखते हैं, मुंह पर जायका नहीं आया। बिस्कुट की वजह से जायका इसका बहुत मुख्तलिफ हो गया, बहुत टेस्ट हो गया। जायका बहुत अच्छा है, ऐसा अंदर से खूबसूरत भी लग रही है, आप देख सकते हैं। आइसक्रीम भी ऐसे कुरकुरी, पता नहीं बिस्कुट की वजह से लग रही है या ऐसे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार मुझे पसंद आ रही है। वैसे हम लोग वो खोयाली कुल्फी खाते हैं ना, तो उसमें बादाम पिस्ते ये डले होते हैं, लेकिन ये तो आज बिस्किट वाली ये तो आइसक्रीम बिल्कुल अलग ही है, बहुत ही जबरदस्त। कुकीज तो ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों की टॉफी। फेस्टिवल का वजह से हमको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, खाने के लिए मिलती है मज़ेदार। इसके लिए में मलाई पता नहीं क्या क्या चीज़ें, हमें तो नाम भी नहीं आता, इतना नाम भी भूल गए इतने चीज़ें हमने खाया है, कभी देखा नहीं है वो चीज़ें हमने खाया है। भाई वैसे तो अंग्रेज हमको सलाम है कि हम चाय के साथ बिस्कुट खाते हैं, लेकिन उन्होंने आइसक्रीम में बिस्कुट डाल दिए, यानी एक नई चीज़ बना दी। ओरियो बिस्कुट तो ऐसा ही तो अच्छा है, तो इसमें डाला है तो और मज़ा जायका हो गया। ये तो खाने से ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब डबल मज़ा हो गया इसमें। मुझे तो लगता है इसमें जो है ना गाय का प्योर दूध और मक्खन डाला गया है, क्योंकि इतनी मतलब ज़बरदस्त आइसक्रीम मैं पहली बार खा रहा हूँ, जायकेदार। भाई पूरा बदन ही ठंडा हो गया, आराम से खा रहे हैं, ठंडा ठंडा, तो मुंह भी ठंडा तो जल भी ठंडा। ठंडा हो तो गर्मियों की मौसम है, ठंडी चीज तो अच्छी लगती, ठंडा भी और साथ में मीठा मीठा भी। जो ये बिस्कुट जो डला हुआ है काला काला, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ के ऊपर मतलब बर्फ गिरी हो, नीचे पहाड़ नजर आ रहा हो, इतना मतलब खूबसूरत लग रहा है। बाकी ये आज जो ना कुकीज एंड क्रीम खा के बहुत मजा आया, बहुत ही जबरदस्त बनी हुई है। मजा तो आया लेकिन अभी तो खत्म हो गई। भाई ये तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में आइसक्रीम में सब्जियां भी डाल देंगे, ये इतना जबरदस्त। पसंद आया आज आपको कुकीज एंड क्रीम? ऐसे आज का कुकीज एंड क्रीम तो वाकई बहुत, मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत ही जबरदस्त बना था। मैं तो जल्दी ठंडा हो गया, मुंह भी ठंडा हो गया, दिल भी ठंडा हो गया, खूब मजा आया मुझे। आई लव इट, नाइस फ्लेवर। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगली वीडियो में शुक्रिया अल्लाह। Thank you.